बिल्कुल भी ना भूलें। सिवनी जिले के घनसौर मुख्यालय गोड़वाना गणतंत्र पार्टी के तत्वावधान में क्षेत्रीय जन समस्याओं को लेकर अनिश्चित धरना आंदोलन तहसील प्रांगण घनसौर में अनवरत जारी है। जब तक अपनी मांगों को पूर्ण नहीं किया जाता तब तक धरना आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। मांगे कुछ इस प्रकार है। आदिम जाति सेवा सहकारी समिति मर्यादित द्वारा किसानों को समय पर खाद बीज दिया जाए और कृषि ऋण प्रदान किया जाए। जबलपुर से नैनपुर रेलवे बोर्ड गेज से घनसौर तहसील के शिकार से निधानी तक अधिग्रहण की गई जमीन के किसानों को उचित मुआवजा और घोषणा के अनुसार परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिया जाए। वनाधिकार अधिनियम 2006 के अनुसार वनवासियों को कागज वन भूमि का पट्टा दिया जाए। ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्य में मजदूरी भुगतान साप्ताहिक किया जाए। और भी कई जनहितैषी मांगे हैं। घनसौर से दिलीप यादव की रिपोर्ट। अभी तक आज दिनांक तक किसी प्रकार से न शासन के व्यक्ति न प्रशासन के व्यक्ति अभी तक खैर खबर नहीं ली है और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी इसका घोर निंदा करती है। प्रशासन का कोई जिम्मेदार व्यक्ति आपसे अभी तक संपर्क किया? अभी किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं हुआ है। तो आप लोगों की विशेष मांगे क्या? यही जो मैं पूर्व में आपको अवगत करा चुका हूँ, यही हमारी गोंडवाना। तो आप लोग क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? शासन प्रशासन से हम गोंडवाना गणतंत्र पार्टी 11/12/2019 से लेकर के आज दिनांक तक यह 13वां दिन है जिसमें क्षेत्रीय जन समस्याओं को लेकर के गोंडवाना गणतंत्र पार्टी निरंतर, आज भी यह 13वां दिन जिसमें मुख्य रूप से घनसौर की सोसाइटी के द्वारा खाद बीज समय पर किसानों को उपलब्ध ना करा पाने के संबंध में, साथ ही सिकारा से घनसौर निधानी तक जो रेलवे की भूमि अधिग्रहण की गई है उन किसानों को उचित मुआवजा, साथ ही एक परिवार को नौकरी देने के संबंध में, साथ ही यहां पर जौलपुर से घनसौर जो सड़क निर्माण में भारी लापरवाही हो रही है, क्योंकि 100 किलोमीटर दूर घनसौर से जौलपुर किसी प्रकार की समस्याओं से निजात नहीं मिल पा रही, रोड क्षतिग्रस्त है पूर्ण रूप से और हमारे एकलव्य आदर्श विद्यालय घनसौर में CBSE कोर्स होने के बाद भी आज तक शिक्षकों की कमी, साथ ही घनसौर अस्पताल में डॉक्टरों एवं स्टाफ नर्स की कमी, साथ ही हमारे क्षेत्र में सहायक सचिव रोजगार के रूप में निरंतर काम करते आ रहे हैं, उनको नियमितीकरण किया जाए और हमारे घनसौर विकास खंड में आदिवासी बहुल क्षेत्र होने के ही चाहते हैं कि जो विगत घोषणा की गई है वो अतिशीघ्र मांग पूरी हो, तभी हम धरना स्थगित करेंगे, नहीं तो निरंतर और ना तो हम इस अगर नहीं किया गया तो हम उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और इसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।